हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उड़द और चने की दाल। ये दाल मेरे घर में सबकी फेवरेट है। इसके लिए ले ली है मैंने एक कटोरी उड़द दाल और एक कटोरी चने की दाल। इसको मैंने 4-5 घंटे भिगो दिया है। इसके साथ ही ले लिया मैंने प्याज, साथ ही ले लिया टमाटर, अदरक को कद्दूकस करके लिया है और मिर्च ले ली है 3 से 4। टमाटर ये 4 हैं छोटे थे तो, और प्याज मेरी 3 है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ले लिया मैंने रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो इसके लिए घी भी ले सकते हैं, पर सरसों का तेल मत लीजिएगा, इससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तेल को हल्का गर्म होने देते हैं और इसमें डालेंगे खूब सारा ज़ीरा। ज़ीरा मैं भर के डाल रही हूँ, इसमें ज़ीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसको तड़कने देंगे, थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा। अब इसमें डालूँगी मैं हींग। हींग अगर आपकी कम स्ट्रांग हो तो थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, और अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो तो थोड़ी कम डालिएगा। तो दोनों चीज़ें मेरी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और तड़क भी चुकी है। देखिए तड़कने के दिख रहे हैं आपको। अब इसमें डालेंगे हम अपने प्याज जो हमने बारीक काट के रखे हैं। तो आप इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका ना लें, प्याज को पीसे नहीं है, टमाटर को पीसे नहीं, जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। पीसने से इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, तो आप इसको इसी तरीके से बनाएं। तो देखिए प्याज को मेरे को अब ब्राउन होने तक, ब्राउन मार्क्स जब तक नहीं आएंगे तब तक मेरे को इसको फ्राई करना है, अच्छे से भूनना है। तो मेरे को इसमें टाइम लगेगा। आप जितने अच्छे से मसाले को भूनेंगे उतने अच्छे से आपकी दाल बनकर तैयार होगी। देखिए ट्रांसपेरेंट होने तैयार हो गई है, होने लग गई है। अब इसको हम थोड़े से ब्राउन मार्क्स जब तक नहीं आते तब तक हम इसको भूनेंगे। तो सारा खेल इसमें मसाला भूनने का ही है। मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो दाल भी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए ब्राउन मार्क्स आने लग गए हैं। अब इसमें हम अपना कद्दूकस करा हुआ अदरक डाल देंगे और साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे। अदरक थोड़ा तली पे चिपकेगा तो आप परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो हमें अदरक को भी बहुत अच्छे से भूनना है ताकि उसका कच्चापन ना आए। जो भी आपको लग रहा है कि तले में चिपक रही है या कुछ, आप उसको चम्मच के सहायता से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम और भूनेंगे ताकि प्याज मेरी और ब्राउन हो जाए, हरी मिर्ची और अदरक भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। इतनी फ्लेवरफुल ये दाल बनके तैयार होती है ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ। आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ इससे अच्छी हमने दाल पहले कभी खाई ही नहीं थी। तो ये मेरी खुद की रेसिपी है जो मैंने खुद ये अपने आप सोच के बनाई थी दाल, और बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। तो देखिए ब्राउन मार्क्स आ गए हैं। अब हम इसमें तैयारी करते हैं अपने टमाटर डालने की। अगर टमाटर आपके बड़े हों तो आप इसमें एक आध कम कर सकते हैं, बट टमाटर को पीसिएगा मत वरना फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो टमाटरों को हमने कट करके ही रफली चॉप करिएगा, बड़े बड़े, ज़्यादा बारीक भी नहीं कट करने हमें। तो हमें अच्छे से इनको मिक्स करना है। अब मैं अपने कुकिंग प्रोसेस को कम करने के लिए साथ ही इसमें पाउडर्ड मसाले भी डाल दूंगी, ताकि मेरा कुकिंग प्रोसेस कम हो जाए और मेरी दाल एक साथ ही मेरा मसाला पक जाए। तो देखिए हल्का हल्का इसमें टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं। अब मैं इसमें अपनी मसाले डालना स्टार्ट कर दूंगी। ये मैंने हल्दी ले ली है 1/2 चम्मच के करीब है। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। आप लाल मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये सब मैं छोटे चम्मच से ले रही हूँ, तो आप उसी हिसाब से डालें। और इसी के साथ मैं डालूँगी पाउडर्ड धनिया जो होता है हमारे पास पिसा हुआ। तो धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच ले लिया छोटे चम्मच से ही। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स करना है। टमाटरों को गलाने के लिए मैं इसको थोड़ी देर ढक के पका दूंगी ताकि टमाटर मेरे जल्दी सॉफ्ट हो जाएं और मेरा कुकिंग टाइम जो है कम हो जाए। तो हमने कुकिंग टाइम का भी ध्यान रखना है कि हमारा कुकिंग टाइम इसमें कम लगे। तो मैं इसको ढक दूंगी। तो देखिए ढके हुए मेरे को 2 मिनट हो गए हैं, और देखिए टमाटर मेरे कितने अच्छे से मैश हो गए हैं, तेल भी ऊपर आ गया, मसाला मेरा अच्छे से भुन गया। बस कोई कोई टमाटर जो थोड़े टाइट होते हैं ना, वो आपको खड़े खड़े नज़र आ रहे होंगे, तो उसे मैं चम्मच से फोड़ लूँगी। तो जो भी टमाटर आपको बड़ा दिख रहा हो आप उसको चम्मच से फोड़ लें जैसे मैं कर रही हूँ। बाकी आपको इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
और नीचे जो आपको पहले लग रहा था कि तली में चिपक रहा है कुकर के, अब देखिए तो उसके नीचे भी कुछ नहीं है, आराम से वो मसाला अलग निकल रहा है। और वो मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस दाल में, जब हम उसको खुरच के डालते हैं बहुत ही टेस्टी ये मसाला बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये दाल आपने बनाई तो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट का मेरे को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो देखिए, जितने भी टमाटर थे मैंने उनको सबको फोल्ड लिया है बहुत अच्छे से, और मसाला मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। इसमें प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है कि हमने प्याज डाली भी थी। बस अब इस टाइम पे हमें दाल डाल देनी है अपनी भीगी हुई, और भीगी हुई है तो इसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। वैसे ये दाल बहुत टाइम लेती है पकने में, लेकिन हमने भिगो के बना रहे हैं तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। और मोस्टली हम क्या करते हैं, दाल में उसका दुगना पानी डालते हैं, पर हम इसमें दुगना पानी नहीं डालेंगे, हम दाल से थोड़ा सा ही ऊपर पानी डालेंगे। तो ये मैंने एक गिलास पूरा पानी भर के डाल दिया है, छोटा गिलास था मेरा उसमें पानी मैंने डाल दिया है, मतलब एक गिलास पूरा कर दूंगी मैं, और इस दाल से थोड़ा सा ऊपर पानी मैं रखूंगी ताकि मेरी दाल जो है अच्छी मैशी बने, पतली दाल मुझे इसमें नहीं चाहिए। तो बस हमें इस टाइम इतना ही पानी इसमें रखना है, 1.25 गिलास पानी, इससे ऊपर आप ना डालें इतनी क्वांटिटी के अंदर। तो अब इस दाल को हम ढक्कन लगा देंगे, कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी फुल पे 3 सीटी सिम पे आने देंगे, और जब तक इसका प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ ना हो हम इसको नहीं खोलेंगे। तो देखिए, दाल मेरी बन गई है, प्रेशर इसका रिलीज़ हो गया। चलिए खोल के देखते हैं दाल कैसी बनी है। देखिए दाल कितनी अच्छी बनी है, अच्छे से मैश हो चुकी है। और अब इसमें हम धनिया डाल के इसको और फ्लेवरफुल कर देंगे। धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, और डंडियाँ पतली पतली हों उसको अगर आप डालेंगे साथ में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज मैं इस दाल को सर्व करूँगी तंदूरी रोटी के साथ, वो भी मैंने घर पे ही बनाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर भर भर के कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट खूब सारे करिएगा। आपके प्यार और साथ की मुझे सख्त ज़रूरत है। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।